दोस्तों, क्या जंगली जानवरों से आप भी परेशान हैं? अर्थात क्या जंगली जानवर जैसे कि नील गाय, जंगली सुअर, बंदर आदि आपके फसलों को नष्ट कर रहे हैं? तो आपके लिए ये 30 से 40 रुपए का नुस्खा बहुत ही काम में आने वाला है। इस नुस्खे को अपनाकर दोस्तों आप जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचा सकते हैं और साथ ही मच्छर, मक्खी, इल्ली और आदि तरह के कीड़े मकोड़ों से भी फसल को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। और मात्र आपका ये 30-40 रुपए का नुस्खा है, इसको अप्लाई कीजिए एक बार खेत में और देखिए क्या जबरदस्त परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कौन सा वो तरीका है, तो जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। यदि वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। यदि आप अपने टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं आप। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप जल्दी से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके इसी तरह का और भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि हमें भी खुशी हो कि वाकई में आप यहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की जानकारी की। तो टॉपिक है दोस्तों हमारा कि नील गाय, जंगली सुअर, बंदर आदि को कैसे भगाएं और साथ ही फसलों पर इल्ली, मच्छर, मक्खी और वायरस की रोकथाम कैसे करें, वो भी एक ही नुस्खे से। तो नुस्खा है दोस्तों आपके लिए क्या करना है कि हम जो आपके लिए कुछ सामग्री बता रहे हैं इसको लेकर आइए और इस सामग्री का अप्लाई कीजिए फसल के ऊपर। कैसे? तो सामग्री क्या है? सामग्री में आपके लिए लेना है कम से कम 15 से 20 लीटर गाय का गौमूत्र। अब गाय के गौमूत्र यदि आपके गाय है तो ले लीजिए, नहीं है, भैंस है तो उसका भी ले सकते हैं। यदि गाय मिल जाए तो अच्छी बात है। उसी में 5 किलोग्राम नीम की पत्ती ले लीजिए। नीम का पेड़ सभी किसान भाइयों के जरूर मिल जाएगा क्योंकि आपके खेतों के आसपास या मेड़ में नीम का पेड़ जरूर मिलता है। आपके नहीं है तो पड़ोसी के पेड़ में से तोड़ लाइए, वो मना नहीं करेगा क्योंकि कोई बेचता तो है नहीं पत्तियों को, तो आपको मिल जाएगी। तो ये दो चीज फ्री में मिल जाएगी। इसके बाद 2 से 2.5 किलो धतूरा ले आइए। धतूरा भी आपको खेतों के आसपास या फिर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, या जंगल में मिल जाएगा या फिर रोड जो रास्ता रहता है सड़क के दोनों तरफ जो पौड़ रहता है उसमें भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये भी फ्री में मिल जाएगा। फिर 2 किलोग्राम मदार की जड़। मदार की जड़ आपको जंगल में आसानी से मिल जाएगी। यदि आपको ये जड़ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो परेशान ना हो क्योंकि आप कहाँ भटकेंगे, ये मिल जाए तो अच्छी बात है कि नहीं। इसके बाद कम से कम 500 ग्राम तंबाकू की पत्ती। अब तंबाकू की पत्ती आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, यदि आपकी है या फिर आस पड़ोस में है और आपको मिल जाए तो ले आइए, नहीं मिलती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी महंगा बिकता है ये तंबाकू और हर एक किसान के पास उपलब्ध नहीं होती ये व्यवस्था। यदि तंबाकू की पत्ती मिल जाए तो 500 ग्राम ले लीजिए, नहीं मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसमें 250 ग्राम लहसुन ले लीजिए, ये आपको मिल जाएगी आसानी से। और इसके बाद आपको लेना है कम से कम 100 से 200 ग्राम लाल मिर्च का पाउडर, और यही लाल मिर्च का पाउडर आपको खरीद कर लाना है। बस आपके लिए 100 से 200 ग्राम जो लाल मिर्च का पाउडर लाना है बाजार से खरीद कर, इसी में पैसा खर्च करना है जो कि 30 से 40 रुपए में आपको आसानी से 200 ग्राम तक लाल मिर्च का पाउडर मिल जाएगा। और बाकी की जो भी हमने सामग्री बताई है वो आपको घर पर आसानी से उपलब्ध होगी, खेतों के आसपास आसानी से मिल जाएगी। अब ये सारी सामग्री तो हमारे पास मान लीजिए कि मिल गई या फिर उपलब्ध हो गई, अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप क्या करें कि इन सभी चीजों को एक साथ मिक्स करके मिलाकर किसी बाल्टी में या डिब्बे में या फिर किसी तरह के टब में या बॉक्स में वायुरोधी बनाकर कम से कम 30 से 40 दिन तक रख दीजिए। इसके बाद क्या होगा कि जब ये 30 से 40 दिन तक रखा रहेगा तो ये गौमूत्र में नीम की पत्ती सड़ जाएगी, धतूरा सड़ जाएगा, मदार की जड़ सड़ जाएगी और तंबाकू की पत्ती भी इसमें सड़ जाएगी और जो लहसुन मिलाई है वो भी सड़ जाएगी और मिर्च का जो भी रस है वो भी उसमें सड़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये एक प्रकार से सारी चीजें गौमूत्र में सड़कर एक प्रकार का ऐसा टॉनिक बना देगी और ये टॉनिक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो टॉनिक बन जाएगा इसको आप 30 से 40 दिन बाद छान लीजिए, फिर ये आपकी क्या दवा बन जाएगी।
फिर क्या करना है कि ये जो मिक्सचर है इसमें से 1 लीटर ये जो दवा बनी है 1 लीटर लीजिए और कम से कम 70 से 80 लीटर पानी में मिलाकर इस 1 लीटर दवा का आप फसल पर छिड़काव कर दीजिए। और ये छिड़काव आप जो स्प्रे पंप कर रहता है हमारा, फसलों में हम कीटनाशक दवा स्प्रे करते हैं उससे आसानी से ये दवा स्प्रे हो जाएगी। पूरे फसल को अच्छी तरीके से तरबतर कर दीजिए, इससे आपके लिए 2 जबरदस्त फायदे होंगे। पहला जबरदस्त फायदा ये होगा कि आपकी फसलों से नील गाय भाग जाएगी, अर्थात फिर फसल को नहीं खाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, खेतों के आसपास भी नहीं भटकेगी, बंदर फसल में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो सुअर रहते हैं जंगली सुअर वो भी खेतों के आसपास नहीं भटकेंगे। और यही 3 जानवर सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और यदि आपकी फसलों में चूहा लग गया है तो वह भी भाग जाएगा खेत को छोड़कर, ये 4 जानवर आपकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ फायदा क्या होगा कि यदि आपकी फसलों में किसी भी तरह की कोई भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक इल्ली लग गई है, मतलब सुंडी लग गई है, हरी सुंडी, लाल सुंडी, काली सुंडी, पीली सुंडी, कत्तई सुंडी किसी भी तरह की है तो वह नष्ट हो जाएगी। इसके बाद झींगा, मच्छर, मक्खी, मकड़ी आदि तरह के कीड़े भी फसलों से नष्ट हो जाएंगे। फसल में किसी भी तरह का वायरस आ गया है, जैसे मोज़ेक रोग या फिर कुकड़ा आ गया है या फिर लीप माइनर आ गया है या फिर फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, इस तरह की समस्या यदि आपकी फसलों में देखने को मिल रही है तो ये समस्या भी आपकी फसलों से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2 तरह के जबरदस्त फायदे आपको हो जाएंगे यदि आप इस नुस्खे को अप्लाई करते हैं तो। मात्र 30 से 40 रुपए का नुस्खा है, इसको एक बार अप्लाई कीजिए। और यदि आप इसको अप्लाई करते हैं और आपको किसी भी तरह का कोई भी फायदा होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि अन्य किसान भाई भी आपसे प्रेरित होकर वह भी इस नुस्खे को अप्लाई करें। अब इसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपने अभी तक स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, साथ में घंटी के आइकन को दबाएं ताकि देख पाएं आप आने वाला खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और आप किस तरह की जानकारी हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी खुशी हो कि आप वाकई में यहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर, काम की जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।